देश भर के विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री दो दिन तक भोपाल में एकत्रित होकर वाटर विजन 2047 पर मंथन करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 5 और 6 जनवरी को जल समिट होगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि चीन से आने वाली नदियां भारत के लिए चुनौती हैं। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अब तक सेक्रेटरी लेवल पर हुई चर्चाओं को लेकर देश भर के सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ संवाद होगा। सभी मंत्री अपने अपने राज्य की चुनौतियों के बारे में जानकारी देंगे। सभी मंत्री सुझाव और समाधान भी बताएंगे। इसमें होने वाला संवाद आने वाले 25 साल का रोड मैप तैयार करेगा। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर वाटर मैनेजमेंट को लेकर प्लान बनाया जाएगा। पटेल ने कहा 2015 में स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था। दुनिया के अनुमानों से 11 साल पहले भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लक्ष्य हासिल किया। ऑपरेशनल टॉयलेट के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर डिफेक्ट टॉयलेट है तो उसे अनुपयोगी टॉयलेट नहीं मानते। जल जीवन मिशन की घोषणा के वक्त 2019 में कुल 3,23,00,000 परिवारों को पाइपलाइन से पानी मिलता था। वर्तमान में 10,56,00,000 परिवारों को नल से जल मिल रहा है। गांवों में वाटर सप्लाई के लिए पानी का सोर्स यदि 30 साल तक है तो स्थायी स्रोत माना जाएगा। शुद्ध पानी के लिए जल एवं स्वच्छता समिति होगी, ये पंचायत समिति से अलग बनेगी। ये नल जल योजना के संचालन और संधारण का काम करेगी। उन्हीं में से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये महिलाएं गांव में सप्लाई होने वाले पानी की जांच करेंगी। इसके लिए उन्हें वाटर टेस्ट किट दी जाएगी। वो महिलाएं ही ये तय करेंगी कि पानी एक महीने में टेस्ट करना है या 2 महीने में। 5 में से अगर एक सैंपल की रिपोर्ट गड़बड़ मिलती है तो उसे जिले के लैब में भेजा जाएगा। इस योजना के साथ जागरूकता की जरूरत है। समय से यदि वाटर मैनेजमेंट नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये चुनौती बढ़ेगी। भारत कभी भी अपने पड़ोसी देश के हिस्से को कम नहीं करता है, लेकिन चीन जैसे आने वाली नदियां आज एक चुनौती बनकर खड़ी हैं। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे संसाधनों ने तेजी के साथ में काम किया है। हर चुनौती से निपटने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन वहां तकनीक के साथ हमें उन मोर्चों पर खड़ा होना होगा। और हमारी जो परंपरागत जल प्रबंधन की हमारी योजनाएं हैं उनके साथ हमें निचले स्तर पर काम करना होगा। लेकिन जो उसमें सबसे अहम बात लगती है, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल शक्ति मंत्रालय इसको मानता है, कि जागरूकता के बगैर जल संसाधनों की जरूरतों को पूरा करना कठिन होगा। हम इसराइल का उदाहरण ले सकते हैं, हम कॉपी करना नहीं चाहते, लेकिन बुंदेलखंड जैसे जहां पर पानी का भीषण संकट था, मैं बुंदेलखंड से ही आता हूं, आपको उदाहरण दे रहा हूं दमोह का, जहां 17% ही पाइपलाइन के द्वारा पानी था, एक महीने बाद यह आंकड़ा 72% हो जाएगा। और जो सोर्सेज हैं वो बांध हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं पानी के खपत का कारण है हमारी क्रॉप, जो कैश क्रॉप्स है, मिलेट्स का जब तक फसलें थी तो उसमें कम पानी, बरसाती पानी से काम चलता था, लेकिन हमने अपने फसल के ट्रेंड को बदला है तो पानी की जरूरतें भी बदली है।